शायद दुनिया का पहला परमाणु बम छोड़ा था अश्वत्थामा ने। आधुनिक काल में ओपेनहाइमर ने गीता और महाभारत का गहन अध्ययन किया और अपने रिसर्च के बाद विदेशी वैज्ञानिक भी मानते हैं कि सच में महाभारत में परमाणु बम का प्रयोग हुआ था। प्राचीन भारत में कहीं कहीं ब्रह्मास्त्र के प्रयोग किए जाने का वर्णन भी मिलता है। रामायण में भी मेघनाद से युद्ध के समय लक्ष्मण ने जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना चाहा, तब श्री राम ने उन्हें यह कहकर रोक दिया कि अभी इसका प्रयोग उचित नहीं है क्योंकि इससे पूरी लंका साफ हो जाएगी। ब्रह्मास्त्र एक परमाणु हथियार है जिसे दैवीय हथियार कहा गया है। माना जाता है कि यह अचूक और सबसे भयंकर अस्त्र है। जो व्यक्ति इस अस्त्र को छोड़ता था वह उसे वापस लेने की क्षमता भी रखता था, लेकिन अश्वत्थामा को वापस लेने का तरीका नहीं याद था, जिसके कारण लाखों लोग मारे गए थे। रामायण और महाभारत काल में यह अस्त्र गिने चुने योद्धाओं के पास था। रामायण काल में जहां यह विभीषण और लक्ष्मण के पास था, वहीं महाभारत काल में द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, श्री कृष्ण, युधिष्ठिर, कर्ण, प्रद्युम्न और अर्जुन के पास था। वेद पुराणों आदि में वर्णन मिलता है कि जगत पिता भगवान ब्रह्मा ने राक्षसों के नाश हेतु ब्रह्मास्त्र की उत्पत्ति की थी। शस्त्र तो धातुओं से निर्मित होते थे, लेकिन अस्त्र को निर्मित करने की अलग ही विद्या होती थी। आइए जानते हैं अब ब्रह्मास्त्र के पावर के बारे में। महर्षि वेदव्यास लिखते हैं कि जहां ब्रह्मास्त्र छोड़ा जाता है वहां 12 वर्षों तक जीव जंतु, पेड़ पौधे आदि की उत्पत्ति नहीं हो पाती। और हैरानी की बात तो यह है कि जब अमेरिका ने हिरोशिमा में एटम बम गिराया था तो उसके रेडिएशन के कारण काफी लोग मारे गए थे और उस इलाके में 12 वर्षों तक अकाल रहा था। ब्रह्मास्त्र का हमारे दुनिया में यूज होने का प्राचीन साक्ष्य भी मौजूद है। उदाहरण के लिए सिंधु घाटी सभ्यता में हुए अनुसंधानों से ऐसे कई नगर मिले हैं जो लगभग 5000 से 7000 ईसा पूर्व अस्तित्व में थे। इन नगरों में मिले नर कंकालों की स्थिति से ये पता चलता है मानो इन्हें किसी अचानक प्रहार से मारा गया है। इसके भी सबूत मिले हैं कि यहाँ किसी काल में भयंकर ऊष्मा उत्पन्न हुई थी, मीन्स गर्मी उत्पन्न हुई थी। इन नर कंकालों का अध्ययन करने से पता चला कि इन पर रेडिएशन का असर भी था। इस बारे में आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।